ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि उनका लक्ष्य राजस्थान को कांग्रेस से मुक्त करना है, ताकि बीजेपी चट्टान की तरह मजबूत होकर हमेशा प्रदेश की सेवा करती रहे। फेम इंडिया पोस्ट उम्दा विधायक सर्वे 2020 के अनुसार पूरे देश में सबसे असरदार विधायक घोषित किए जाने और बीजेपी द्वारा सम्मान समारोह में आमेर विधायक सतीश पूनिया ने ये बात कही। पूनिया ने कहा कि पिछले दिनों कांग्रेस सरकार की बाड़ाबंदी में की गई मौज मस्ती से पूरा प्रदेश वाकिफ है। पूरे कोरोना काल में सीएम गहलोत अपने आवास से तक नहीं निकले। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए पूनिया ने कहा कि आज मैं जो भी हूँ एवं जिस काम से मुझे जो सम्मान मिला है, जिस प्रतिष्ठा से यह ऊर्जा मुझे मिली, उस ऊर्जा का कोई जनरेटर है तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त का नारा क्यों दिया। पूरे देश पर राज करने वाली अब कांग्रेस 3.5 राज्यों में सिमट कर रह गई। कांग्रेस के विचार, व्यवहार और नीति को देश की जनता ने नकार दिया। कांग्रेस को 55 वर्षों तक देश पर राज करने का मौका मिला, जो सिर्फ लूट और झूठ का खेल खेलते रहे। कांग्रेस के विचार से लोगों का मोह भंग हो गया, इन पर लोगों को विश्वास नहीं रहा, इसलिए ये नारा दिया। शुक्रवार को अपने निवास पर हुए सम्मान समारोह में सतीश पूनिया ने कहा कि भारत की धरती पर पैदा होना यह हमारा सौभाग्य है, लेकिन भारत की धरती पर पैदा होकर भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़ना यह हम सबका परम सौभाग्य है। अपने देश का स्वाभिमान, अपने देश की ताकत, अपने देश की नीति, अपने देश का विचार और दुनिया के तमाम देशों में से भारत का राष्ट्रवाद का सर्वोच्च विचार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विचार है। पूनिया ने कहा कि मैं आप समस्त भाजपा युवा मोर्चा के साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे देश के चुनिंदा 50 विधायकों में शुमार होने पर अभिनंदन किया। मैं यह मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे अवसर आते हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ पैदा होती है, लेकिन आपको पूरा भरोसा देता हूँ जो व्यक्ति जमीन पर काम करेगा, जमीन से काम करेगा, उसको निश्चित रूप से मान सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ काम करने के लिए सभी कार्यकर्ता कलेजा मजबूत रखे, हमें प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत काम करना है। सतीश पूनिया ने अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि सामान्य परिवार में जन्म लेकर भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़कर पार्टी की अनवरत सेवा कर रहे हैं। 1982 में मई के महीने में ट्रेन से जयपुर पहुंचा। मन में घबराहट थी कि जयपुर में क्या होगा। पहले कॉलेज में एडमिशन के लिए जदोहद करनी पड़ी, फिर रहने की व्यवस्था के लिए मशक्कत करनी पड़ी। पूनिया ने बताया कि उस समय हम रोडवेज बस में सफर करते थे। इन संघर्ष के दिनों का भी आनंद था। बस स्टैंड पर सर्दी गर्मी में बहुत बार अखबार बिछाकर भी सोना पड़ा। ऐसे संघर्ष के दिनों में जब हमें लूना मिल जाती थी तो लगता था कोई बड़ा काम हो गया। मोटरसाइकिल मिल जाती थी तो ऐसा लगता था कोई लॉटरी लग गई। इस संघर्ष के दौर में भूख को नजदीक से महसूस किया। कांग्रेस सरकार द्वारा प्रताड़ना को करीब से देखा है। कई बार ट्रेन के टॉयलेट में भी सफर करना पड़ा था। सतीश पूनिया ने राजस्थान बीजेपी के संदर्भ में कहा कि हम सभी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं और युवा मोर्चा के लिए भी कम चुनौतियां नहीं हैं। कोरोना काल में चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा के लिए खड़ी रही। प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1,90,00,000 भोजन के पैकेट, 60,00,000 राशन के पैकेट का वितरण किया, 50 करोड़ से अधिक पीएम केयर फंड में योगदान दिया। पार्टी के कार्यकर्ता जान जोखिम में डालकर सेवा कार्य में जुटे रहे। युवा मोर्चा ने भी लगातार सेवा कार्य किए। पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश भर में हमें सभी बूथों तक पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना है। 52,000 बूथों में से 42,000 बूथों पर पार्टी काफी मजबूत है, बाकी 10,000 बूथों पर भी पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है और केंद्र की मोदी सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश के जन जन तक और घर घर तक पहुंचाने का कार्य भी करना है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।